गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? ओके, लिसन टू मी। तो यस्टरडे वी टॉक अबाउट डाइजेशन इन वकल कैविटी एंड स्टमक। ओके, स्टमक में हमने अपने जो SCL होता है ना, SCL, उसके फंक्शन के बारे में हमने कल नोट डाउन कर लिया था, उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है। और नेक्स्ट, अब आप हेडिंग लगाएंगे उसी में, अपना स्टमक में डाइजेशन चल रहा है स्टमक में, ठीक है। और स्टमक में जो डाइजेशन होता है ना, उसमें हमने SCL के फंक्शन तक कर लिया था। चलिए अब नेक्स्ट, उसी में एक छोटी सी आपको हेडिंग लगानी है पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन है ना, लिखिए पेप्सिन, है ना, पेप्सिन लिख लिया हेडिंग, लिखिए इसमें, लिखिए लिखिए इनएक्टिव पेप्सिनोजन, लिखिए इनएक्टिव पेप्सिनोजन, कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्ट एक्टिव पेप्सिन, एक्टिव पेप्सिन, एक्टिव पेप्सिन YHCl बाय HCl, इनएक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्ट एक्टिव पेप्सिन बाय HCl बिच कन्वर्ट, बिच कन्वर्ट फूड प्रोटीन, बिच कन्वर्ट फूड प्रोटीन इनटू प्रोटीज एंड पेप्टॉन्स, प्रोटीज एंड पेप्टॉन्स, प्रोटीज एंड पेप्सोन पेप्टॉन्स, लिख लिया। चलिए अब इसके लिखने के बाद इसका एक इक्वेशन आप बनाएंगे। इक्वेशन ऐसे बनेगा, ये पेप्सिनोजन है और इस पेप्सिनोजन को जो आपका HCl होता है ना, वो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पेप्सिन में, ठीक है। अब ये पेप्सिन क्या करता है भाई, ये पेप्सिन जो आपकी प्रोटीन होती है ना, भोजन की प्रोटीन, उसका डाइजेशन करता है, कौन, पेप्सिन, और इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, प्रोटीज एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पेप्सिन का काम हुआ। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे रेनिन, रेनिन, जैसे पेप्सिन लगाई थी उसी में रेनिन, ये अपने स्टमक में चल रहा है डाइजेशन, ठीक है। रेनिन लिखिए, लिखिए इनएक्टिव प्रोरेनिन, इनएक्टिव प्रोरेनिन कन्वर्ट्स कन्वर्ट एन एक्टिव फॉर्म रेनिन, एन एक्टिव फॉर्म रेनिन बाय द प्रेजेंस इन HCl, बाय द प्रेजेंस
ऑफ HCl विच हाइड्रोलाइजेज द सोल्यूबल हाइड्रोलाइजेज सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसिन मैं कैसिन लिख रहा हूं कैसिन ऐसे लिखना कैसिन सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसिन इनटू पैराकैसिनेट इनटू पैराकैसिनेट इनटू पैराकैसिनेट एंड पैराकैसिन फॉर्म कैल्शियम पैराकैसिनेट कैल्शियम पैराकैसिनेट ठीक है। अब इसका आप समीकरण बनाएंगे इक्वेशन बनाइए प्रोरेनिन और ये जो प्रोरेनिन है वो HCl की प्रेजेंटेशन में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो रेनिन है ना वो कैसिन जो होती है ना वो मिल्क प्रोटीन है मिल्क प्रोटीन कैसिन ठीक है। इस कैसिन को जो रेनिन होता है वो पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है ठीक है पैराकैसिनेट। अब इसके आगे ही लगाना एरो मैं तो यहाँ से लगा रहा हूँ ठीक है ऐसे लगाना ये पैराकैसिनेट चलो अलग से बना लेते हैं पैरा कैसिनेट प्लस कैल्शियम तो ये बनाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट और इसके नीचे आप लिख लेना कर्ड दही जैसा पदार्थ है ये कर्ड लिख लीजिए आप चलिए। अब एक लाइन छोड़ के एक एरो लगा के पॉइंट लिखिए आप एक लाइन छोड़कर एरो लगा के लिखिए गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट ओनली मिल्क फैट गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट ओनली मिल्क फैट ठीक है।
अब नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के। नोट लगा के लिखो, आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक, आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक बोलस कन्वर्ट, बोलस कन्वर्ट काइम, CHYME काइम। जैसे आपका आपका फूड जब डाइजेस्ट हुआ था ना मुख में वकल कैविटी में, तो आप उसको बोलस कहते थे, और जब आपका फूड आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है ना तब उसका एक नाम हो जाता है काइम, काइम। ठीक है, कर लिए सभी ने नोट डाउन। चलिए अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई सुनिए, लिसन टू मी। जो फर्स्ट वन व्हाट हैपन कि आपका जो फूड है वो जैसे ही आप फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो आपकी जो वकल कैविटी है ना उसमें सबसे पहले उसका डाइजेशन होता है, होता है डाइजेशन। उसमें सैलाइवा हेल्प करती है क्योंकि उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो आपके फूड के ओनली ऑन स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और उसे माल्टोज एंड डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब नाउ योर जो बोलस है वो कैम इन टू स्टमक, और जैसे ही वो स्टमक में आता है वो स्टे करता है 4 to 5 hours। 4 to 5 hours जो आपका फूड है ना, जो बोलस है वो आपके स्टमक में स्टे करता है। तो जब वो स्टे करता है ना, तो दिस पीरियड, इन दिस पीरियड या इन दिस टाइम आपका जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, और आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, आपके लिए गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन SCL पेप्सिनोजन प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। भाई अब एक एक का हमें क्रम से फंक्शन देखना है, तो सबसे पहले हमने बात की थी SCL के बारे में। तो SCL के बारे में हमने क्या जाना कि भाई जो SCL होता है ना, एक तो अपने फूड के मीडियम को एसिडिक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जितने भी इनएक्टिव एंजाइम हैं लाइकेज पेप्सिनोजन प्रोरेन इनको एक कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एक्टिव कर देता है ना। और उसके बाद जो उसका सॉलिड पार्टिकल्स होता है फूड का उसको ये डिजॉल्व करता है, उसको डाइजेस्ट करता है ना, और हेल्प जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये SCL के फंक्शन होते थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने जो पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन नाम के एंजाइम हैं उनका क्या फंक्शन कैसे होता है। तो लिसन टू मी, फर्स्ट वन, बोथ ऑफ एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आर इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म के एंजाइम होते हैं। तो फर्स्ट वन जो आपका SCL होता है ना, ये बोथ एंजाइम जो कि इनएक्टिव हैं, ये HCL की प्रेजेंटेशन में क्या हो जाते हैं, फर्स्ट वन एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, बोथ एंजाइम पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन एंड प्रोरेनिन कन्वर्ट इनटू रेनिन। ठीक है, तो पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन तो इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन एंड रेनिन इनकी एक्टिव फॉर्म है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब जब आपका पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है और ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा क्योंकि ये अब एक्टिव हो चुका है। तो आफ्टर एक्टिवेशन होने के बाद ये जो पेप्सिन होता है ना वो हमारे फूड की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है केवल, है ना, जो अपना फूड होता है ना फूड उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन है तो उसको ये फर्स्ट वन कन्वर्ट करता है दो प्रोडक्ट में, एक प्रोटीज एंड प्रोटीओज है यार, प्रोटीज तो सॉरी एंजाइम हो जाएगा, मैं कहाँ प्रोटीओज करिए भाई, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। चलो बच गया, मुझे याद रह गया ये सब, मेरा नज़र चलेगी ना, प्रोटीओज करिए सिर्फ प्रोटीओज। प्रोटी यदि मैं एज कर दूंगा ना, प्रोटीएज कर दूंगा, ए लगा दूंगा, तो ए तो भाई खतरनाक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जो प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन करता है भाई। ठीक है,
कोई बात नहीं, आप इसको अभी कन्वर्ट कर लेना भाई, करेक्शन कर लेना, प्रोटीओज है नॉट प्रोटीएज। प्रोटीएज तो एक हैवी एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीओज है, ओज है, ओज, ठीक है, ओ एस ई, क्लियर। चलिए, तो जो आप जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है ना, पेप्सिन एंजाइम, वो क्या करता है, आपकी फूड की प्रोटीन को प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो आपकी प्रोटीन का डाइजेशन हो गया आपके स्टमक में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एक और एंजाइम होता है जो होता है रेनिन, है ना। अब इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, जो रेनिन एंजाइम होता है ना, रेनिन एंजाइम होता है जो केवल इन्फेंट्स में होता है। इन्फेंट आप जानते हैं, इन्फेंट वो चाइल्ड होते हैं जो केवल ब्रीस्ट फीडिंग करते हैं, जो केवल ब्रीस्ट फीडिंग करते हैं, मतलब अपनी माँ स्तन, ब्रीस्ट फीडिंग मान जानते हैं आप, माँ का दूध पीना, स्तनपान करना, ठीक है। तो हमको इन्फेंट्स बोलते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, 5-6 मंथ ईयर्स, 5-6 मंथ ओल्ड, है ना, ओके। तो उन बच्चों के स्टमक में ना इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है रेनिन की, या एक्टिव होता है। और जो एडल्ट होते हैं ना, एडल्ट होते हैं, उनमें इसकी जो क्वांटिटी है वो लेस होती है ना, या नेगोशिएबल होती है, नगण्य होती है, ठीक है। तो रेनिन जो है, रेनिन वो सबसे पहले अपने प्रोरेनिन के रूप में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो फर्स्ट वन एससीएल इसको भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, इसकी एक्टिव फॉर्म में। अब जब आपका रेनिन एंजाइम एक्टिव हो जाता है ना, तो ये मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है केवल, ये फूड की प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। किसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, केवल मिल्क की प्रोटीन को। अब जो मिल्क प्रोटीन है ना, उसका नाम है कैसीन। मिल्क में एक प्रोटीन होती है, उसका क्या नाम होता है, कैसीन प्रोटीन। तो ये मिल्क की कैसीन प्रोटीन को जो रेनिन एंजाइम होता है वो कन्वर्ट कर देता है पैराकैसिनेट में, किसमें, पैराकैसिनेट में। और ये पैराकैसिनेट आपके कैल्शियम के साथ मिलकर बनाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। और जो ये कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है ना, वो एक प्रकार की कर्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है। मतलब एक सिंपल सी बात क्या है कि आप जो भी मिल्क ड्रिंक करते हैं, मिल्क जो आप इनटेक करते हैं ना, तो यदि आपको मिल्क को डाइजेस्ट करना है ना, तो फर्स्ट वन आपको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, मिल्क को कन्वर्ट करना पड़ता है अपने स्टमक के अंदर, क्यों, क्योंकि वो स्टे करता है। सुनिए, जो मिल्क है ना वो तो लिक्विड फॉर्म में, और कर्ड होती है वो सेमी सॉलिड में, ठीक है। तो यदि इनके स्टे करने की बात आए, तो मिल्क ज़्यादा टाइम स्टे कर पाएगा या कर्ड ज़्यादा टाइम स्टे कर पाएगा। आप बोलेंगे सर एब्सोल्युटली कर्ड जो है वो ज़्यादा स्टे कर पाएगी अपने स्टमक में, ठीक है। तो उसका इजीली डाइजेशन हो जाए प्रॉपर तरीके से, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो मिल्क हम जो लेते हैं ना, उसको ऑलवेज हमें कर्ड जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इन चाइल्ड में तो ये रेनिन एंजाइम इस काम को करता है, लेकिन एडल्ट मतलब हम जिनमें ये रेनिन एंजाइम एब्सेंट होता है ना, तो इस काम को एचसीएल करता है, यानी को फाड़ने, स्कंदित करने का ना, कोगुलेट कर देता है इसको। एचसीएल इस काम को करता है हमारे अंदर, ठीक है, कर्ड को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है मिल्क को, एचसीएल एडल्ट में। और चाइल्ड में क्या कौन करता है, रेनिन एंजाइम। तो चाइल्ड में यदि मिल्क प्रोटीन को आपको डाइजेस्ट करना है, तो आपको एक एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका नाम होता है रेनिन एंजाइम, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, एक इसमें लेस क्वांटिटी में एक एंजाइम और होता है लेस क्वांटिटी में, और उस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो ओनली ऑन मिल्क की फैट पर ही काम करता है, मिल्क की फैट पर, नॉट फूड फैट। फूड की फैट पर काम नहीं करता गैस्ट्रिक लाइपेज, ओनली ऑन मिल्क की फैट पर काम करता है भाई, क्लियर। चलिए, तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन बना था, कि जब इसका मैकेनिक जो फूड होता है ना, फूड होता है जब उसका मैकेनिकली एंड केमिकली डाइजेशन हो जाता है स्टमक में, तो अब वो क्या कहलाता है, तो आपका आंसर है काइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, काइम। तो इस काइम को भी आप याद रखना, ठीक है। और ये एंजाइम किन में होता है, रेनिन, इन चाइल्ड या इन्फेंट्स में होता है भाई, ओके। चलिए,
तो ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हुआ है स्टमक में, कहाँ पे? स्टमक में। क्लियर है आपका कि आखिर स्टमक में डाइजेशन कैसे हुआ? गैस्ट्रिक जूस से हुआ, जिसमें HCl, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन था। पहले आपको HCl के कार्य के बारे में बताना है, फिर आपको पेप्सिनोजन के बारे में, फिर रेनिन के बारे में। कि पहले तो आप इनको एक्टिव फॉर्म में करेंगे, और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो फिर ये कोई ना कोई आपके लिए फंक्शन एक्ट करेंगे। तो फंक्शन क्या भाई? जो मिल फूड की प्रोटीन है उसको तो डाइजेस्ट करता है पेप्सिन एंजाइम, एंड जो मिल्क की प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है रेनिन। सिंपल, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में तो हो गया डाइजेशन, अब आप लिखिए डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन हेडिंग लगा ली। अब इसमें भी आप एक सब हेडिंग लगाइए, इन ड्यूडेनम। इन ड्यूडेनम भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके थ्री पार्ट होते थे ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो फर्स्ट जो हम डाइजेशन देखेंगे ना, वो स्पेशली इन ड्यूडेनम देखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए इन ड्यूडेनम। लिखिए भाई, लिखिए काइम पास्ड इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम नेक्स्ट पॉइंट, इन ड्यूडेनम, इन ड्यूडेनम गॉल ब्लेडर सीक्रेट वाइल जूस, रिलीज करना आप, सीक्रेट मत करना है ना, सीक्रेट तो लिवर करेगा ना। गॉल ब्लेडर रिलीज बाइल जूस एंड पैनक्रियाज रिलीज, एंड पैनक्रियाज रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज जूस, ठीक है। गॉल ब्लेडर बाइल जूस का रिलीज करेगा, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस का रिलीज करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आप एक स्मॉल हेडिंग लगाएंगे, बाइल जूस में लिखिए, इट इज येलो एंड ग्रीन कलर, इट इज येलो एंड ग्रीन कलर विच कंटेन बाइल पिगमेंट बाइल पिगमेंट
एंड बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट्स बाइल साल्ट्स ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इट एक्ट मैनी रोल, इट एक्ट मैनी रोल या मैनी फंक्शन, जो बाइल जूस है उसका कुछ काम होते हैं, इट एक्ट मैनी रोल या फंक्शन है। फर्स्ट इट्स न्यूट्रलाइज द, इट न्यूट्रलाइज द फूड मीडियम, इट न्यूट्रलाइज द फूड मीडियम। नेक्स्ट इट्स प्रिवेंट डिके ऑफ फूड, डिके खराब होने वाला, स्पॉइल वाला ना, डिके ऑफ फूड, इट्स प्रिवेंट डिके ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इट डिके ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिवेंट्स करता है ना। नेक्स्ट पॉइंट इट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। है ना, अब ब्रैकेट में आप लिखना कि ये इमल्सिफिकेशन क्या है, मैं आपको लिखा रहा हूँ, सुनिए लिखिए, लार्ज फैट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल राउंड मॉलिक्यूल्स, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल राउंड मॉलिक्यूल्स। लिख लिया, चलिए भाई ये हो गया बाइल जूस आपका। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इसी में विदाउट नंबर के, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस लिख लिया, लिखिए It contain many enzyme,
इट कंटेन मैनी एंजाइम लाइक एज ट्रिप्सिनोजन, आपको लिखना है ट्रिप्सिनोजन कॉमा काइमोट्रिप्सिनोजन कॉमा कार्बोक्सी सॉरी प्रो करना इधर लिखता हूँ प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रो कार्बोक्स पेप्टिडेज एमाइलेज लाइपेज न्यूक्लिएज न्यूक्लिएज नोट कीजिए इनको। लिख लिया एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज एमाइलेज लाइपेज एंड न्यूक्लिएज। ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस में। एक बार लिख लीजिए फिर इसके बारे में बात करते हैं। लिख लिया चलिए अब एक लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखिए। फर्स्ट वन ट्रिप्सिनोजन गेट्स एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन YA नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम YA नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम एंटेरोकाइनेज ENTERO KINASE अंडरलाइन करना है इसको, इम्पोर्टेंट है। नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस। एंड एक्टिव ट्रिप्सिन एक्टिव अदर इनएक्टिव एंजाइम एंड दे हेल्प एंड दे हेल्प
प्रोटीन डाइजेशन, लिख लिया। अब इसकी इक्वेशन बनाने आपको, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या कुछ है। चलिए भाई बनाते चलना, या फिर मुझे बना ले दूंगा। ये होता है आपका ट्रिप्सिनोजन, इसको एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, ये इसको कन्वर्ट कर देता है सबसे पहले ट्रिप्सिन में, ठीक है। फिर अपने पास दो और इनएक्टिव एंजाइम थे ना, एक था काइमोट्रिप्सिनोजन और एक था प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। इन दोनों को कौन, ट्रिप्सिन, इन दोनों को जो ट्रिप्सिन है वो कन्वर्ट कर देता है इनके एक्टिव फॉर्म में, और इनकी एक्टिव फॉर्म आती है काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक्टिव हो गए, है ना। अब क्या होगा, अब मैं समीकरण बना रहा हूँ, जो आपकी प्रोटीओज प्लस पेप्टोन्स, इस प्रोटीओज और पेप्टोन्स को आपका काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। और इस स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को आपका लास्ट एंजाइम जिसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये इसको कन्वर्ट कर देता है डाइपेप्टाइड में। तो ये आपका कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन है। आप इसको बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं चाहे तो, आप इसको बॉक्स में भी बंद कर देना, क्योंकि ये टोटल ना प्रोटीन का डाइजेशन है, केवल और केवल प्रोटीन का डाइजेशन है, ठीक है। अब एक दो समीकरण और मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च उसको आपका एमाइलेज ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमल्सीफाई फैट की, तो एमल्सीफाई फैट को आपका लाइपेज ये कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसरॉल, और लास्ट आपका जो डीएनए होता है ना, डीएनए उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका कंप्लीट डाइजेशन है भाई इस ड्यूरिनम के अंदर। जितने भी समीकरण है, जितने भी एंजाइम है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सभी को, सभी को नोट कर लीजिए। नोट कर लो सभी को पहले ना।
कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। सुनिए भाई, आपका जो फूड है ना, आपका जो फूड है अब आपके कहाँ पे आ गया है, ड्यूडेनम में आ चुका है। ठीक है, ड्यूडेनम में आ गया। अब सुनिए, ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन कैसे होता है? ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ टू जूस, फर्स्ट वन बाइल जूस एंड सेकेंड इज पैनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस तो गॉल ब्लीडर से रिलीज होता है और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से। तो फर्स्ट वन जो अपना बाइल जूस है ना, उसका क्या रोल है? बाइल जूस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि फर्स्ट वन तो ये अपना जो फूड का एसिडिक मीडियम था स्टमक में HCl के कारण, तो सबसे पहले तो इसको ये न्यूट्रलाइज करता है, पहला काम। सेकंड, ये जो अपना फूड है ना, यदि वो एसिडिक रहेगा तो वो डिकी हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्पॉइल हो जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करता है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन बाइल जूस का, कि जो फैट मॉलिक्यूल है ना फूड का जो फैट है, फैट पार्टिकल्स कंपोनेंट, वो अनडाइजेस्ट था अभी तक, तो फर्स्ट वन बाइल जूस ही उस पर एक्ट करता है और उसको इमल्सिफिकेशन कर देता है। अब आपसे कोई पूछे कि इमल्सिफिकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे यदि फैट मॉलिक्यूल के मतलब फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को यदि हम कन्वर्ट कर दें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो हम उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सिफाई करता है कौन? बाइल जूस। तो बाइल जूस का ये काम करता। अब आते हैं पैनक्रियाटिक जूस पर। तो पैनक्रियाटिक जूस में ना थ्री तो होते हैं इनएक्टिव एंजाइम, तीन इनएक्टिव एंजाइम थे, फर्स्ट वन ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। और ये जो तीनों की तीनों एंजाइम है ना, आपके फूड की केवल प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, है ना। उसके बाद हमने देखा एमाइलेज जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, हमने देखा फिर लाइपेज जो आपकी फैट का डाइजेशन करता है, और एक हमने देखा न्यूक्लियस जो आपके डीएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस में। तो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन आपके पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम थे, तो फर्स्ट काम आपका क्या होगा कि आपको उन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। भाई इनएक्टिव एंजाइम है तो आपको उन्हें एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे नीट में पूछा गया था कि एंटेरोकाइनेज किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो आपका आंसर है कि हमारी ड्यूडेनम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। हालांकि ये नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं करता है किसी भी कंपोनेंट को, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि आपका जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन था ना, ट्रिप्सिनोजन, इसको ये कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। किस में? ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट करता है? एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब जैसे ही आपके पास एक्टिव ट्रिप्सिन आ जाता है, तो ये ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है? आपके अदर एंजाइम भी तो कैसे हैं, अभी इनएक्टिव फॉर्म में थे दो एंजाइम, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो आपका जो एक्टिव ट्रिप्सिन है ना, वो इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में से काइमोट्रिप्सिन आ जाएगी, कार्बोक्सीपेप्टिडेज आ जाएगी। तो टोटल आपके जितने भी इनएक्टिव एंजाइम थे वो एक्टिव हो चुके हैं। कैसे हुए? फर्स्ट वन एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया था, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हुआ तो ट्रिप्सिन बना। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? अदर इनएक्टिव एंजाइम को भी एक्टिव कर देता है। अब ये जो एक्टिव एंजाइम आपके पास आए ना, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये आपके लिए डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब आई ऑलरेडी से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो लिसन टू मी, आपने अपने प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में भी तो किया था, कहाँ तक कर लिया था? प्रोटीयोज और पेप्टोन्स तक। तो अब फर्दर प्रोटीयोज और पेप्टोन्स काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाते हैं। आई विल टेल यू कि जो प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीन्स बहुत सारे, पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए, प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड, और जो
अमीनो एसिड है ना वो एक बॉन्ड के माध्यम से अटैच होते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब ऐसे जॉइंट होंगे तो एक प्रोटीन चेन बनेगी, तो इसको मैं लार्ज पॉलीपेप्टाइड बोल सकता हूँ। तो प्रोटीओज और पेप्टॉन्स को आपका काइमोट्रिप्सिन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है, फिर स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। डाईपेप्टाइड मीन्स एक वेरी स्मॉल चेन ऑफ पेप्टाइड। ओके, तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं ना, तो प्रोटीन का डाइजेशन डाईपेप्टाइड तक होता है आपके ड्यूडेनम में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, एमाइलेज जो होता है वो ऑलवेज स्टार्च का ही डाइजेशन करता है, तो स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो आपका फैट है ना, फूड की फैट, उसको आप इमल्सीफाई फैट बोलेंगे। ये नॉर्मल फैट नहीं है, ये इमल्सीफाई फैट है। इसको लाइपेज एंजाइम डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है। अरे आपका जो फैट है ना, फैट वो ट्राइग्लिसराइड होता है। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड था ना, इसका कॉम्प्लेक्स रूप, उसी प्रकार फैट का कॉम्प्लेक्स रूप होता है ट्राइग्लिसराइड। तो हम ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं लाइपेज एंजाइम से, तो डाइजेशन ही तो हो रहा है। एट लास्ट हमारे पास एक न्यूक्लियज एंजाइम था। ये न्यूक्लियज एंजाइम क्या करता है, आपके फूड में जो डीएनए होता है ना, अब आप सोच रहे होंगे सर ये डीएनए कहाँ से आया, है ना, तो आई विल टेल यू, लिसन टू मी। कोई भी प्लांट सेल हो, कोई भी सेल हो, उस हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एम आई राइट और नॉट, और हर न्यूक्लियस में उसका डीएनए या क्रोमोजोम होता है ना। तो भाई जब आप फूड इंटेक करते ना, तो आपके फूड में भी तो प्लांट सेल है, और उस प्लांट सेल में क्या होंगे, डीएनए, क्या होंगे, डीएनए। तो आपको डीएनए को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसको सिंपल फॉर्म में बदलना पड़ता है। रीजन, क्योंकि आपको भी ना अपनी बॉडी में न्यू क्या बनाने, डीएनए। तो न्यू डीएनए बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मीन्स कच्चा पदार्थ चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स आपको कब बनेगा, जब आप इस डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो डीएनए को ब्रेक डाउन करता है एक न्यूक्लियज एंजाइम, और इसको कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड में। किस में, न्यूक्लियोटाइड में। ओके, तो ये आपका भोजन का डाइजेशन हुआ आपकी ओनली ऑन ड्यूडेनम में। अब एट लास्ट डाइजेशन होगा कहाँ पे, जेजुनम और इलियम में, और अपना डाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। केवल डाइजेशन कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक नोट लगा के पॉइंट और लिख लीजिए, आप नोट लगाइए, नोट। नाउ इट्स फूड कॉल्ड, नाउ इट्स फूड कॉल्ड काइल। देखो ये काइम, मतलब ड्यूडेनम में आपका फूड किस रूप में आया था, काइम रूप में। अब जब इसका डाइजेशन कहाँ हो जाता है, ड्यूडेनम में, तो अब जो फूड है ना ये कन्वर्ट हो जाता है काइल में। आप इसको ना काइल कहते हैं, अब क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है भाई, तो आज हमने देखा कि भाई आपका जो फूड है वो स्टमक में कैसे डाइजेस्ट हुआ और ड्यूडेनम में कैसे डाइजेस्ट हुआ। इसकी आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लर्न करना पड़ेगा कौन से एंजाइम किस जोश में प्रेजेंट होते हैं और उसका क्या क्या एक्ट होता है, कौन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कौन फैट को, कौन स्टार्च को, ना ऐसे आपको ना इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है भाई। ठीक है, एंड कल आपका जो ये चैप्टर टॉपिक है मतलब डाइजेशन वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, प्लस हाफ एटी, ऐसा ही है, और
मिली